दोस्तों, खूबसूरत क्रिएचर की ओर से पेपर मैशी में आज हम सीखने जा रहे हैं पेपर मैशी का किरिंग होल्डर। इसको बनाने के लिए हमें जिन सामानों की आवश्यकता है, सबसे पहले प्लाई में कटा हुआ एक कटआउट, फैब्रिक कलर्स, पेपर मैशी का आटा, कुछ हुक्स और कुछ सांचे, फेविकोल घुला हुआ, डेंटल प्लास्ट पाउडर, टेलकम पाउडर, फेविकोल, ब्रशेस, वार्निश, पानी और खाली पाउडर। आइए हम इसे बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा डेंटल पाउडर लेकर उसमें हम घुला हुआ फेविकोल डालेंगे। और आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा पानी। पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही डालें, क्योंकि ज़्यादा गीला होने से फिर उसमें टेक्सचर देने में परेशानी होती है। इस तरह से घोल के जिस हिस्से पे हमें पेपर डेंटल प्लास पाउडर का यूज़ करना है उस पे हम इसको लगाएंगे। डेंटल पाउडर की एक खासियत है कि वो बहुत जल्दी सेट हो जाता है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना घोलें और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। पेड़ का टेक्सचर देने के लिए आप पेड़ की डंडियों तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो पूरा डिज़ाइन भी आप डेंटल पाउडर से यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ पेपर मैशी का यूज़ बहुत खूबसूरत लुक देता है। गीले डेंटल पाउडर में आप ऐसे हाथ से कोई भी डिज़ाइन घुमा के या कुछ कॉम्ब वगैरह यूज़ करके आप इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं, जो सूखने के बाद उभर के दिखता है। इस तरीके से इसके बाद हम इसमें पेपर मैशी का आइटम लगाएंगे। उसके लिए पेपर मैशी का गुथा हुआ आटा, उसमें से हम लीव्स तैयार कर लेंगे। हमने अपने पिछले सेशंस में आपको लीव्स वगैरह सब बताई थी, फिर भी देखिए इस तरीके से लीव्स बता के इस तरीके से किसी तीखी चीज़ से आप उसमें कट्स लगा देंगे। और फेविकोल की सहायता से डिज़ाइन के हिसाब से आप उसमें पत्तियों को सेट कर लें। इस तरीके से जैसा भी डिज़ाइन है उसके ऊपर आप पत्तियों को, कुछ पत्तियां आप रेडी करके रख लेंगे तो उससे लगाने में आसानी होगी। इस तरीके से हम सारी पत्तियां कवर कर लेंगे। और इस हिस्से में डिज़ाइन करने के लिए पेपर मैशी के आटे से आप ऐसी लंबी रस्सियां तैयार कर लें और उसे जिस तरह का डिज़ाइन आप यहाँ देना चाहते हैं उसके ऊपर दें। जब डेंटल प्लास्ट गीला रहता है पाउडर तो उसके ऊपर पेपर मैशी क्राफ्ट की चीज़ भी आसानी से चिपक जाती है। इस तरीके से आप रोल्स लगा दें। आप कोई भी डिजाइन इसमें यूज कर सकते हैं।
आप फ्लावर भी लगा सकते हैं या गणेश जी की मूर्ति या कोई सी भी छोटी मूर्ति का डिज़ाइन देके भी आप इसे बना सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें लगाएंगे और इसके ऊपर जैसे ये पेन पेन की रिफिल है उससे हम ऐसे डिज़ाइन दे देंगे। कोई भी नुकीली चीज़ से आप कट्स के डिज़ाइन भी दे सकते हैं। ये सूखने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पूरा डिज़ाइन कर लेंगे और यहाँ पे आप कोई भी फ्लावर लगा सकते हैं या छोटी सी गणेश जी की मूर्ति बना के लगा सकते हैं। और छोटे छोटे फ्लावर जो हमने सांचे की सहायता से काटे हैं हम आपको बताते हैं। इस तरीके से बच्चों के खिलौने वाले जो सांचे होते हैं उससे भी आप फ्लावर्स बना सकते हैं, ये देखिए। और इसको फेविकोल की सहायता से जहाँ जहाँ चाहें आप तुरंत लगा दें। गणेश जी की फ़ोटो बनाने के लिए आप इस तरीके से पेपर मैशी के आटे को लंबा करें। इस तरीके से यहाँ पे रखें। आप इसकी जगह कोई फ्लावर या कोई और डिज़ाइन भी लगा सकते हैं या कुछ लिख करके भी लगा सकते हैं इस तरीके से। और इन सब चीज़ों को अच्छे से फिनिशिंग से बनाने के बाद हम इसे 5-6 घंटे के लिए सूखने देंगे, तो उसके बाद ये इस तरह से रेडी हो जाएगा। अब हम इसको कलर कर सकते हैं। इसके लिए हम फैब्रिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं या ऑयल कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले पत्तियों में कलर करेंगे। ध्यान रखेंगे कि सूखने के बाद ही आप कलर करें क्योंकि गीली मिट्टी में कलर का टेक्सचर अलग ढंग का आता है। इस तरीके से पूरी ग्रीन पत्तियां हम कर लेंगे। पेड़ के लिए ब्राउन और ऑरेंज की शेडिंग हम देंगे। दो तीन प्रकार के कलर मिलाकर शेडिंग करने से बहुत ही नेचुरल लुक आता है। इसी तरह हम सब जगह कलर करेंगे। मंदिर की जो छत का डिज़ाइन है उस पर भी आप अपने मनचाहे कलर कर सकते हैं। इस तरीके से सारे कलर अपने हिसाब से करके और लास्ट में आप इसमें ये जो हुक्स होती हैं इनको यहाँ पे छेद करके फंसा देंगे और हमारा पेपर मैशी का कीरिंग होल्डर इस तरीके से तैयार हो जाता है। और आखिरी में इस पे वार्निश लगा दें ताकि इसकी चमक बनी रहे। थैंक यू।